फ्रेंड्स, अभी हम झाकू टेंपल की तरफ जा रहे हैं, बट बी केयरफुल अबाउट मंकीज। वो किसी का कोई भी सामान लेकर भाग जाते हैं। हाँ भाई, हम भी झाकू टेंपल ही जा रहे हैं। भाई, झाकू टेंपल कितना दूर है यहाँ से? अभी 1.5 किलोमीटर। और यार, सॉलिड लगी पड़ी है अपनी तो। अभी रास्ते में बंदरों ने अटैक कर दिया था। एक तो बस मोबाइल छीनकर भागने ही वाला था, किसी तरह बचा लिया अपना मोबाइल। गाइस, बी केयरफुल, बहुत शैतान है यहाँ के बंदर। जो लोकल हैं उन्हें तो ये कुछ नहीं बोलते, और जो बाहर से आए हैं उनका सामान लेकर भाग जाते हैं। अभी एक बेचारी लड़की का चश्मा लेकर भाग गए। क्या है यार, तो फ्रेंड्स, अभी हम झाकू टेंपल की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी स्नो है। बट हाँ, इस रास्ते से अगर आप आ रहे हैं तो बी केयरफुल, मंकीज आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। आप अपने जितने भी स्टफ्स हैं, लाइक मोबाइल, स्पेक्स, घड़ी या कोई भी सामान, आप बाहर मत निकाल के रखिए। वो कभी भी आपसे आकर छीन सकते हैं। इट्स रियली सो ब्यूटिफुल। बट हाँ, आपको चढ़ाई बहुत ज्यादा चढ़नी पड़ेगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि जो सीनियर सिटीजन है वो इस रास्ते से बिल्कुल भी ना आए। अभी 1.5 घंटे से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, और आई थिंक अभी आधा रास्ता और है। गाइज, टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है। ऊपर से इतनी देर से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, और तो और हायर एल्टीट्यूड होने के वजह से थोड़ा ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी हो रही है। पर कोई बात नहीं गाइस, मेहनत का फल मीठा होता है। गाइस देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। जैसे जैसे हम झाकू टेंपल की तरफ ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ऐसे स्नो भी अब ज़्यादा देखने को मिल रही है। इट्स रियली अमेजिंग। गाइस ये देखिए, मेरे पीछे ये जो लड़के आ रहे हैं, रास्ते में बंदरों ने अभी अभी इनका पर्स और चश्मा छीन लिया। हमारे पैसे चुरा लिया बंदर, हमारा पर्स ले गए, चश्मा भी ले गए। हिमगिरी ने ललकारा है, ये हो गया। कौन सा मंदिर है? कदम कदम रखो, रखो मंदिर। भाई, बच्चे को ध्यान से लेके जाना, रास्ता स्लिपरी है आगे। मजा आ गई।
गाइस अप्रोक्स 45 मिनट से कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहा हूँ। थोड़ा थक जरूर गया हूँ, मगर ऐसा फील हो रहा है जैसे सीढ़ियाँ सीधे हेवन को जा रही हैं। गाइस सी द ब्यूटी, इट्स रियली अमेजिंग, वाह। क्या यार तुम लोग भी थक गए? चलो आओ मेरे पीछे पीछे। जो लोग ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं वो शिमला मॉल रोड से 600 रुपीज रिटर्न या 300 रुपीज वन वे टिकट लेकर रोपवे के थ्रू भी सीधा झाकू टेंपल तक आ सकते हैं, मगर आई थिंक फिर वो इन सुंदर नज़ारों को नहीं देख सकेंगे। गाइज इट इज़ रियली सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मी। सो अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो आप इस रास्ते से ज़रूर आएँ। तो फाइनली एक घंटे की ट्रैकिंग और अप्रॉक्स 2000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पवित्र हनुमान जी के झाकू टेंपल पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। फ्रेंड्स आज शिमला में मेरा लास्ट डे है। कल सुबह मैं अपनी फैमिली के साथ शिमला से मनाली जा रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आज मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा हूं। काश मैं उन्हें भी अपने साथ ले आ पाता, पर इट्स माई प्रोमिस नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी शिमला आना हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पवित्र हनुमान जी के दर्शन करवाने के लिए जरूर लेकर आऊँगा। ट्रैकिंग करके पूरा एक घंटे से ज़्यादा लगा, बट फाइनली ये लीजिए मैं पवित्र हनुमान जी के झाकू टेंपल पहुँच ही गया। जय बजरंग बली। फ्रेंड्स अभी हम पवित्र हनुमान जी के झाकू टेंपल पहुंच चुके हैं। झाकू टेंपल शिमला रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये सी लेवल से अप्रॉक्स 2500 मीटर की हाइट पर है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्नो ही स्नो है। ओ पहले बोल रही ट्रॉली में मैं चलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है पवित्र हनुमान जी का झाकू टेंपल। अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए हम इसे आगे से भी कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां से आपको हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई नो इट्स नॉट ईजी टू कैप्चर क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी झाकू टेंपल की जर्नी। जाते जाते आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप कभी भी शिमला आ रहे हैं तो आप यहां आकर पवित्र हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। यहां का वातावरण आपके दिल को छू लेगा। इट इज सच अ मेसमराइज्ड एंड वंडरफुल प्लेस।